सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बैंकिंग गुरुजी चैनल के एक और फ्रेश इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं स्वप्निल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमारे साथ थे अमोल जी। अमोल ने हमारे साथ काफ़ी सारे पॉइंट्स मार्केट के बारे में शेयर किए। ऐसे मार्केट सिनारियो में जहाँ पे मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सभी पॉइंट उसने लास्ट वीडियो में शेयर किए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे पीरियड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्सेशन ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक आम आदमी के मन में खड़ा हो जाता है। तो ये सिचुएशन में हमें टैक्स बचाकर हमारे नेट रिटर्न जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अमोल, आज आप ही बताइए कि आज के इस वीडियो में हम कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, कौन से स्कीम के ऊपर हम टैक्स बचाकर अपना नेट रिटर्न जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो आज फिनेंशियल इंडस्ट्री में दो टाइप के टैक्स मौजूद है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो 2004 के बजट में तभी के फिनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटी फंड्स और इक्विटी मार्केट एबॉलिश कर दिया था। पर जैसे कि हम सब जानते हैं 1 फरवरी 2018 में अरुण जेटली ने फिर से इस टैक्स को लेवी कर दिया है। अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये 15% तो आपके गेंस पे लगता है। अगर आप पूछेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का होल्डिंग पीरियड क्या है तो कोई भी इन्वेस्टर अगर होल्डिंग 1 साल के मीन्स 12 महीने के अंदर सेल ऑफ करता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है, जिसकी मात्रा 15% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट नहीं होके 15% ऑफ हिज गेन है। म्यूचुअल फंड में दूसरा टैक्स आता है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आज तक इंडस्ट्री में नहीं था बट 1 फरवरी से बजट के बाद ये लेवी होगा। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का एक्सप्लेनेशन करने में 5 अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि अपने व्यूअर्स को उनकी सारी आशंकाएं दूर करने में मदद होगी। अगर कोई इन्वेस्टर 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है और उसकी रिडेम्पशन वैल्यू होती है 3,60,000 रुपया और उसकी रिडेम्पशन डेट ये 31 मार्च के पहले की है तो उसको अपने गेंस के ऊपर कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण है कि इस बजट में हुई अनाउंसमेंट 1 अप्रैल 2018 से लागू होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर कोई इन्वेस्टर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और उसकी रिडेम्पशन वैल्यू 4 लाख रुपया है और ये रिडेम्पशन अगर वो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर मीन्स 3 अप्रैल 2018 में करता है तो उसको 10% ऑफ हिज कैपिटल गेन इफ़ ओवर एंड अबव 1 लाख है तो लगेगा। तीसरा एग्जाम्पल, अगर कोई इन्वेस्टर 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है और उसकी रिडेम्पशन वैल्यू 2,90,000 है और वो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर मतलब कि 1 अप्रैल 2018 के बाद कभी भी रिडीम करता है फिर भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसका कारण है कि अकॉर्डिंग टू द बजट एनी इन्वेस्टमेंट विच इज़ गेनिंग 1 लाख ओवर एंड अबव रिटर्न इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देन ओनली इट विल बी लेवी 10% ऑफ हिज रिटर्न। चौथा एग्जाम्पल है, अगर कोई इन्वेस्टर 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल हिज परचेज डेट इज 15 जनवरी 2018 और सेल ऑफ करता है 3.5 लाख में और वो रिडेम्पशन डेट अगर 1 साल के अंदर है तो जैसे हम लोग ने कहा कमाई हुई राशि के ऊपर 15% टैक्स उसको भरना पड़ेगा। हम आखिरी एग्जाम्पल लेंगे, जो इन्वेस्टर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 1 दिसंबर 2017 को और वही इन्वेस्टमेंट वो सेल कर रहा है 10 दिसंबर 2018 को और अगर उसकी सेलिंग राशि जैसे कि रिडेम्पशन वैल्यू है 4,20,000 तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको 20,000 के ऊपर टैक्स भरना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं वो कैसे तो उसका ओवरऑल रिटर्न होगा 1,20,000 जिसमें से 1 लाख टैक्स फ्री होगा और ऊपर के 20,000 के ऊपर उसको 10% के हिसाब से 2,000 रुपये टैक्स भरना होगा तो आफ्टर टैक्स उसका इनकम होगा 1,18,000 रुपये। अगर हम टैक्स सेविंग की बात करें तो जिस सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये 1 लाख रुपया जो टैक्स फ्री है वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए है या ओवरऑल कैपिटल गेन से 1 लाख रुपया माइनस करके रिमेनिंग रिटर्न्स के ऊपर टैक्स लगेगा, तो मैं इस वीडियो के जरिए क्लियर करना चाहूँगा कि 1 लाख रुपीज़ पर ईयर ना कि ओवरऑल 1 लाख आउट ऑफ ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैं इसमें एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर कोई इन्वेस्टर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है
और उसको 10% के हिसाब से किसी भी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में रिटर्न मिल रहा है, तो उसका हर साल का रिटर्न होगा 1,00,000 रुपया। अगर एक इन्वेस्टर ये 1,00,000 रुपया 5 साल तक पैसा नहीं निकालता तो उसको 10% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा 5,00,000। अगर वो 5 साल के बाद उसके सारे यूनिट्स रिडीम करता है और उसका ओवरऑल वैल्यू उसको रिटर्न के साथ 15,00,000 रुपया मिलता है, तो मिला हुआ 5,00,000 के रिटर्न में से 1,00,000 रुपया माइनस हो जाएगा और ऊपर के 4,00,000 के ऊपर उसको 10% के हिसाब से 40,000 रुपया टैक्स भरना पड़ेगा। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। अगर कोई इन्वेस्टर 10,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में जिसके हिसाब से उसको 10% रिटर्न हर साल के हिसाब से मिल रहा है, तो उसका हर साल का इनकम होगा 1,00,000 रुपया। अगर वो ये रिटर्न 13वें महीने में रिडीम करता है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में गिना जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर यही 1,00,000 रुपया हर साल मिला हुआ रिटर्न विड्रॉ कर रहा है तो ये हर साल का 1,00,000 रुपया उसके लिए टैक्स फ्री होगा। तो जिस हिसाब से आपने देखा, एक इन्वेस्टर को 5,00,000 रुपया एक साथ रिडेम्पशन के ऊपर 40,000 टैक्स भरना पड़ा, दूसरे एग्जाम्पल में ये इन्वेस्टर ने हर साल 1,00,000 रुपया विड्रॉ किया, उसके हिसाब से उसका पूरा 5,00,000 रुपया टैक्स फ्री हो गया। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सही जगह पे इन्वेस्ट करना और सही रिटर्न मिलाना ये एक टैक्ट है और एक स्मार्टनेस है। जैसे कि हम लोग ने लाभी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के ऊपर कैसे टैक्स लगता है वो देखा, अब हम देखेंगे कि डेट ओरिएंटेड स्कीम के ऊपर कैसे टैक्स लगता है। अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, यानी कि कोई भी इन्वेस्टर 12 महीने के पहले उसका डेट ओरिएंटेड स्कीम से पैसा विड्रॉ करता है, तो मिलने वाली राशि के ऊपर, मिलने वाले गेन के ऊपर उसके टैक्स स्लैब्स के हिसाब से रिटर्न लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इन्वेस्टर 5% टैक्स ब्रैकेट में है तो उससे मिलने वाले रिटर्न के ऊपर 5% टैक्स लगेगा। कोई 20% टैक्स ब्रैकेट में है तो उसको 20%, और जो 30% टैक्स ब्रैकेट में उसको 30% टैक्स लगेगा। बट अगर हम डेट ओरिएंटेड स्कीम में टैक्स बचाना चाहते हैं, तो मैं इन्वेस्टर को बताना चाहूँगा कि उनको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना पड़ेगा। कितना लॉन्ग टर्म? तो फॉर डेट ओरिएंटेड स्कीम, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फ़ायदा लेना है तो आपका होल्डिंग पीरियड ये 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हम एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे कि अगर कोई इन्वेस्टर 3 साल से ज़्यादा होल्ड कर रहा है डेट ओरिएंटेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट, तो उसको टैक्स कैसे लेवी होगा और उसका टैक्स कैसे वो बचा सकता है। हम देखेंगे डेट ओरिएंटेड कोई भी फिनेंशियल प्रोडक्ट जिसमें इंटरेस्ट पार्ट इन्वॉल्व है वर्सेस डेट ओरिएंटेड स्कीम्स। इन्वेस्टर ए ने 10,00,000 रुपया ऐसे ही फिनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है जिसमें इंटरेस्ट पार्ट इंक्लूडेड है और उसको 8% रिटर्न मिल रहा है। इस हिसाब से एक इन्वेस्टर का होल्डिंग पीरियड जिसका 3 साल है, उसका 3 साल का रिटर्न होगा 2,40,000 रुपया। अगर वो इन्वेस्टर 20% टैक्स ब्रैकेट में है तो ये 2,40,000 के ऊपर उसको 48,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो वही रिटर्न्स के ऊपर उसको 72,000 टैक्स भरना होगा। तो इसके बाद उसका डिस्पोजेबल इनकम होगा 2,40,000 माइनस 48,000, जो होगा 1,92,000, और जो 72% टैक्स ब्रैकेट में है उसका रिटर्न होगा 1,78,000। अभी हम देखेंगे अगर यही इन्वेस्टर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका टैक्स कैसे बचा सकता है। हम अभी टेबल में अगर देख रहे हैं तो 10,00,000 जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और उसको अगर 8% हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम डेट ओरिएंटेड स्कीम, तो उसका सालाना रिटर्न होगा 80,000 रुपया। अगर वो 3 साल से ज़्यादा होल्ड करता है तो उसका ओवरऑल रिटर्न बनेगा 80,000 × 3, दैट इज़ 2,40,000 रुपया। ये 2,40,000 रुपये में से इन्फ्लेशन प्राइस माइनस किया जाएगा। जैसे कि अगर हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन 5% है तो ये 8% में से 5% माइनस किया जाएगा, तो हर सालाना 50,000 रुपये के हिसाब से ओवरऑल उसके रिटर्न में से 1,50,000 रुपये माइनस हो जाएगा। तो उसका एक्चुअल रियल रेट ऑफ रिटर्न होगा 2,40,000 माइनस इन्फ्लेशन प्राइस, दैट इज़ 1,50,000। तो उसका टैक्सेबल इनकम होगा 90,000। ये 90,000 के ऊपर उसको फ्लैट रेट 20% टैक्स भरना होगा। फ्लैट रेट मीन्स अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी भी टैक्स स्लैब में है फिर भी उसके रिटर्न्स के ऊपर 20% ही चार्ज किया जाएगा। तो इस हिसाब से 90,000 कट 20%, यानी कि 18,000 रुपये उसको टैक्स लगेगा और उसका इन पॉकेट रिटर्न होगा 2,22,000। तो जैसे कि हमने देखा, जो इन्वेस्टर फिक्स रेटेड इंटरेस्ट अर्न डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है उसको मिनिमम
टैक्स भरना पड़ रहा था, अगर वो 5% में भी है फिर भी उसको टैक्स लग रहा था 11,000 रुपया। और यहाँ ये अगर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म होल्ड करता है इन डेट ओरिएंटेड स्कीम तो उसका ओवरऑल रिटर्न होगा 18,000। तो जो 48,000 टैक्स भर रहा है उसका 30,000 रुपया बच सकता है, और जो 72,000 टैक्स भर रहा है उसको 54,000 का वो टैक्स बचा सकता है। तो जैसे कि हम टेबल में देख रहे हैं कि जिस इन्वेस्टर ने फिक्स इंटरेस्ट अर्न डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न था 240,000 माइनस 48,000, 240,000 माइनस 72,000। वेयरएज अगर हम कंपेयर कर रहे हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से तो किसी भी स्लैब में होने वाले इन्वेस्टर का रिटर्न होगा 240,000 माइनस 18,000 विच इज 222,000। तो आपने देखा कि डेट ओरिएंटेड स्कीम्स आपके फिनेंशियल गोल अचीव करने में कैसी मदद कर सकता है। दूसरा पार्ट और दूसरा बेनिफिट इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा है, या जो इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट से डरते हैं या उनको इक्विटी मार्केट में उनका रुपया इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो डेट ओरिएंटेड स्कीम में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा के रियल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि डेट ओरिएंटेड स्कीम्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, ये जो म्यूचुअल फंड के दो मेन टाइप्स है उसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके उनका टैक्स बचा के रियल रेट ऑफ रिटर्न कैसे बढ़ा सकते हैं। पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपने बहुत सारे इन्वेस्टर डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके ऊपर भी आज तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मौजूद नहीं था, बट अब 1 अप्रैल के बाद उनको टैक्स लेवी होगा। तो इस टेबल में हम देखेंगे कि 6 सिनेरियोस लेके मैं और स्वप्निल आपकी सारी मन की आशंकाएं दूर करना चाहेंगे। तो हम सिनेरियो 1 देखते हैं जिसमें कोई भी इन्वेस्टर ने शेयर बाय किया है 15 जनवरी 2017 को जिसका परचेसिंग वैल्यू था 100 रुपीज़। अगर 31 जनवरी 2018 को यही शेयर का प्राइस है 200 रुपया और वो यही शेयर सेल कर रहा है नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में जैसे कि 1 अप्रैल 2018 में 250 रुपये के ऊपर, तो उसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 50 रुपीज़, दैट इज नथिंग बट 250 माइनस ग्रैंडफादर प्राइस 200। तो ये 50 रुपये के ऊपर से उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाए। अभी हम दूसरा सिनेरियो देखेंगे जिसमें एक इन्वेस्टर्स ने 15 जनवरी 2017 को 100 रुपये पे एक शेयर बाय किया है। इसी शेयर का प्राइस 31 जनवरी 2018 को 50 रुपये था और ये इन्वेस्टर यही शेयर 1 अप्रैल 2018 में मार्केट में 150 रुपये के ऊपर सेल करता है, फिर भी उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा 50 रुपया। अगर हम सिनेरियो 3 की बात करेंगे तो एक इन्वेस्टर जो 15 जनवरी 2017 में 200 रुपये के ऊपर शेयर खरीद रहा है जिसका क्लोजिंग प्राइस ऑन 31 जनवरी 100 रुपया है और ये इन्वेस्टर 1 अप्रैल 2018 में यही शेयर 200 रुपये में बेच रहा है तो उसको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं भरना पड़ेगा। अगर हम सिनेरियो 4 की बात करें तो ये इन्वेस्टर है जिसने जनवरी 2017 में 100 रुपये पे शेयर खरीदा है जिसका क्लोजिंग एनएवी 31 जनवरी 2018 में 200 रुपया है और वो 1 अप्रैल के बाद कभी भी अगर ये शेयर 150 रुपये में सेल करता है तो उसको 1 रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिनेरियो 5 की बात करें तो जो इन्वेस्टर जनवरी 2017 में 31 के पहले एक शेयर 200 रुपये में बाय कर रहा है जिसकी 31 जनवरी 2018 को 100 रुपये प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 50 रुपया, तो ये सिनेरियो में क्लाइंट को 150 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर हम सिनेरियो 6 की बात करें तो ये सिनेरियो ऐसा है जिसमें एक इन्वेस्टर एक शेयर बाय कर रहा है 15 जनवरी को 200 रुपये के ऊपर जिसका क्लोजिंग एनएवी 2018 31 जनवरी को है 200 रुपया और वो उसका सेलिंग प्राइस है 150 रुपया, तो ओवरऑल उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा ही नहीं और उसका रिटर्न होगा नील। तो जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बजट में हुए घोषणाएं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपके रिटर्न्स के ऊपर या आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डायरेक्टली कोई भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो जैसे कि मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर हम स्मार्ट पीपल हैं तो हमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरत है,
स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें हम आपके इन्वेस्टमेंट में से आप अपना टैक्स भी बचाकर रियल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि अमोल ने हम सभी को बताया कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए टैक्स को बचाकर नेट रिटर्न जो है वो बढ़ा सकते हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते इसी चैनल पे इसी वक्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।